हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर मैं डॉक्टर भारती परमार आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर 200 प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, यह है उसका 9th पार्ट। और अगर आपने इससे पहले के 8 पार्ट नहीं देखे हों तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी कई महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो आपकी कला परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो आइए देखते हैं 9th पार्ट के क्वेश्चंस। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहले हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके आंसर देखेंगे। क्वेश्चन 161 से स्टार्ट करेंगे इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 161 है, कौन सा कलाकार एक रेडियोलॉजिस्ट भी है? ऑप्शन है सुधीर पटवर्धन, हिम्मत शाह, अनुपम सूद या गीता कपूर। क्वेश्चन 162 है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने शाहजहां के अंतिम दिन कब चित्रित किया? 1902, 1905, 1900 या 1908। क्वेश्चन 163 है, सुजाता चित्र किस कलाकार ने निर्मित किया है? ऑप्शन है निरोध मंजूमदार, अवतार सिंह, अर्पिता सिंह या अंजलि ईला मेनन। क्वेश्चन 164 है, बिजुका चित्र श्रृंखला किस कलाकार से संबंधित है? ऑप्शन है अवधेश मिश्र, हिम्मत शाह, अर्पिता सिंह या भूर सिंह शेखावत। क्वेश्चन 165 है, तीन स्त्रियां जो ऑयल माध्यम में बना है 1972 में, ये किस कलाकार द्वारा निर्मित चित्र है? ऑप्शन है द्वारका प्रसाद, निकोलस रोरिक, एनएस बेंद्रे या ध्रुव मिस्त्री। क्वेश्चन 166 है, ट्रिब्यूट 1989 जो उसका माध्यम यहाँ पर लिखा है, माध्यम एचिंग है, ये किस कलाकार की कृति है? ऑप्शन है अनुपम सूद, देवकी नंदन शर्मा, अर्पिता सिंह या अंजलि ईला मेनन। क्वेश्चन 167 है, एनकाउंटर ऑयल माध्यम है 1982, धर्म और भगवान ये ऑयल माध्यम है 1984, ये किस कलाकार की कृति हैं? ऑप्शन है मंजीत बाबा, हिम्मत शाह, शीला गोड़ या जे स्वामीनाथन। क्वेश्चन 168 है, के एच आरा का समय काल क्या है? ऑप्शन है 1920 से 2001, 1914 से 1985, 1925 से 1996 या 1938 से 1996। क्वेश्चन 169 है, भारत के प्रथम प्रभाववादी, नव प्रभाववादी या बिंदुवादी कलाकार कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन है एन एस बेंद्रे, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा या असित कुमार। क्वेश्चन 170 है, बलवीर सिंह कट का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है रंगपुर, पेशावर, रावलपिंडी या गोरखपुर। क्वेश्चन 171 है, किस कलाकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रोफेसर एमेरिटस की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन है देवकी नंदन शर्मा, हिम्मत शाह, द्वारका प्रसाद या भूर सिंह शेखावत। क्वेश्चन 172 है, नई दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी के जीवन की झांकियों के भित्तिचित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? ऑप्शन है मंजीत बाबा, विनोद बिहारी, कृपाल सिंह शेखावत या मनु पारेख। क्वेश्चन 173 है, चीप प्राइस 2006, स्पील 2007 ये किस कलाकार की कृति है? ऑप्शन है अनीश कपूर, अतुल डोडिया, अर्पिता सिंह या सुबोध गुप्ता। क्वेश्चन 174 है, कृष्णा स्प्रिंग्स इन कुल्लू 1930 ये किस कलाकार की कृति है? ऑप्शन है निकोलस रोरिक, असित कुमार, निरोध मंजूमदार या अंजलि ईला मेनन। क्वेश्चन 175 है, दांडी मार्च 1930 लिनोकट में किस कलाकार ने बनाया है? ऑप्शन है रामकुमार, नंदलाल बोस, असित कुमार या अवनींद्रनाथ। क्वेश्चन 176 है, मुगल राजपूत युद्ध श्रृंखला, गणगौर की सवारी, प्रसव पीड़ा ये किस कलाकार की कृति हैं? ऑप्शन है गोवर्धन लाल, भूर सिंह शेखावत, द्वारका प्रसाद या देवकी नंदन शर्मा। क्वेश्चन 177 है, बंजारे, लोहार, गड़रिया और भील इस पर किस कलाकार ने चित्रण किया है? ऑप्शन है गोवर्धन लाल, सुधीर पटवर्धन, जोगेन चौधरी या परेश मेहती। क्वेश्चन 178 है, किसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि उनके चित्रों में आत्मा बोलती है? ऑप्शन है लक्ष्मा गौड़,
भूसिंह शेखावत, एनएस बेंद्रे या नंदलाल बोस। क्वेश्चन 179 है, विंग्स ऑफ नो एंड ये किस कलाकार द्वारा निर्मित चित्र श्रृंखला है? ऑप्शन है निरोध मंजुमदार, गोगी सरोजपाल, अर्पिता सिंह या जोगेन चौधरी। और क्वेश्चन 180 है, ध्रुव मिस्त्री ने कहाँ से कला अध्ययन किया है? ऑप्शन है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, जे मुंबई, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा या इंदौर आर्ट कॉलेज। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न, आइए अब इनके आंसर देखते हैं। आई होप आपने अपने आंसर टिक कर लिए होंगे कि अभी ये जो मैंने 20 क्वेश्चंस पढ़े उसमें से आपको कितने आते थे, तो आप कमेंट करके बताइएगा। अब इनके आंसर मैं बताती हूँ। पहला क्वेश्चन था 161 कि कौन सा कलाकार एक रेडियोलॉजिस्ट भी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सुधीर पटवर्धन जी, ये एक रेडियोलॉजिस्ट भी हैं। इनका जन्म हुआ था 1946 पुणे से और पुणे के AIFC से इन्होंने रेडियोलॉजिस्ट का अपना पढ़ाई की है। क्वेश्चन 162 है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने शाहजहां के अंतिम दिन चित्र कब निर्मित किया, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1902 में। अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने इसको 1902 में बनाया था और इनका टाइम पीरियड था 1871 से 1957 और जोनास आकू में इनका जन्म हुआ था। और शाहजहां के अंतिम दिन पासिंग ऑफ शाहजहां का प्रसिद्ध चित्र है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन 163 है, सुजाता चित्र किस कलाकार ने निर्मित किया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अवतार सिंह पवार जी ने सुजाता चित्र बनाया है। ये इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है, ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध रहे थे। इन्होंने शांति निकेतन से पढ़ाई की थी लेकिन इन्होंने चित्रकला और छापाकला इन सभी में ये महारत हासिल थी इनको। तो जितने कुशल एक मूर्तिकार थे उतने ही कुशल एक ये चित्रकार भी थे और इनका बनाया हुआ ये चित्र है सुजाता जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड में जो अब पहले जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था अब उत्तराखंड है, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। 1929 से 2002 इनका टाइम पीरियड था और इनके गुरु थे नंदलाल बोस, राम किंकर बेज, विनोद बिहारी मुखर्जी जैसे महान कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164, बिजू का चित्र श्रृंखला किस कलाकार से संबंधित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अवधेश मिश्र जी से संबंधित है बिजू का चित्र श्रृंखला। और अवधेश मिश्र जी पर मैंने पूरा कला यात्रा का और प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, आप जरूर उसको देखिएगा, काफ़ी डिटेल में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि अवधेश मिश्र जी एक चित्रकार होने के साथ साथ लेखक और संपादक भी हैं, तो इसलिए काफ़ी पूछा भी जाता कई बार उनका बारे में, कौन कौन सी मैगजीन के लिए उन्होंने संपादन किया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन स्त्रियां ऑयल माध्यम में 1972 किस कलाकार द्वारा निर्मित चित्र है, तो इसका आंसर है एनएस बेंद्रे जी, थ्री वुमेन या तीन स्त्रियां उन्होंने बनाया है ऑयल माध्यम में 1972 में। और एनएस बेंद्रे जी पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो जरूर देखिए। इनका जन्म हुआ था इंदौर में 1910 से 1992 इनका टाइम पीरियड था और ये बड़ौदा ग्रुप के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, ट्रिब्यूट 1989 इसका माध्यम है एचिंग, इसे किसने बनाया है एचिंग माध्यम है इसका एचिंग, तो ये जो है छापा इसको बनाया है अनुपम सूद जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये अनुपम सूद जी का बनाया हुआ प्रसिद्ध छापा है ट्रिब्यूट 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, एनकाउंटर ऑयल माध्यम में 1982, धर्म और भगवान ऑयल माध्यम में 1984 किस कलाकार की कृतियां हैं, तो इनको बनाने वाले कलाकार हैं ऑप्शन ए मंजीत बाबा, ये मंजीत बाबा के द्वारा बनाए हुए चित्र हैं। और इनका जन्म हुआ था 1941 पंजाब में और वर्ष 2008 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन 168 है, KH आरा का समयकाल क्या है, तो कृष्ण होलाजी आरन का पूरा नाम था, इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में 1914 में और 1985 में इनकी मृत्यु हो गई, तो उनका टाइम पीरियड है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 169, भारत के प्रथम नव प्रभाववादी या बिंदुवादी कलाकार कौन कहे जाते हैं,
तो भारत के प्रथम नव प्रभाववादी या बिंदुवादी कलाकार कहलाते हैं? बेंद्र जी, आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, एन एस बेंद्र जी को इस रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 170 है, बलवीर सिंह कट का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलवीर सिंह कट जी का जन्म हुआ था 1939 में रावलपिंडी पाकिस्तान में, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, पहले भारत का हिस्सा था। और BHU से इन्होंने पढ़ाई की और BHU से इन्होंने शिक्षा भी दी है, प्रसिद्ध मूर्तिकार भारत के। क्वेश्चन 171 है, किस कलाकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रोफेसर एमेरिटस की उपाधि दी गई थी? तो ये उपाधि दी गई थी ऑप्शन ए, देवकी नंदन शर्मा जी को। देवकी नंदन शर्मा जी पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिएगा। और इनका जन्म हुआ था 1919 अलवर में, और 1931 में इन्होंने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, जहाँ इनके गुरु रहे थे शैलेंद्रनाथ डे जी। और पक्षियों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं देवकी नंदन शर्मा जी। क्वेश्चन 172 है, नई दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी के जीवन की झांकियों के भित्ति चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कृपाल सिंह शेखावत जी ने बनाए हैं ये भित्ति चित्र। इनका जन्म हुआ था 1922 में, जो अब जहाँ पर जन्म हुआ था वो कहलाता है सीकर। और 1943 से 47 तक शांति निकेतन से इन्होंने पढ़ाई की थी, और ये भित्ति चित्र बनाया है कृपाल सिंह शेखावत जी ने। क्वेश्चन नंबर 173 है, ची प्राइस 2006, स्पील 2007, ये किस कलाकार की कृतियाँ हैं? तो इनको बनाने वाले कलाकार हैं ऑप्शन डी, सुबोध गुप्ता जी। आंसर है यहाँ पर सुबोध गुप्ता जी। इनका जन्म हुआ था 1964 बिहार में, और ये अपने बर्तनों के इंस्टॉलेशन के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 174 है, कृष्णा स्प्रिंग्स इन कुल्लू 1930 किस कलाकार की कृति है? तो उसको बनाने वाले कलाकार हैं निकोलस रोरिक जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, निकोलस रोरिक जी का बनाया हुआ यह चित्र है, और ये पहाड़ी हिमालय के चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहे। और ये जो चित्र है कृष्णा स्प्रिंग्स इन कुल्लू, ये 1930 में इन्होंने जो बनाया है, इसे बनाया इन्होंने टेम्परा माध्यम में। आंसर है ऑप्शन ए, उनका जन्म हुआ था रशिया में। क्वेश्चन 175 है, दांडी मार्च 1930 लीनो कट में किस कलाकार ने बनाया है? तो ये बनाने वाले कलाकार हैं ऑप्शन बी, नंदलाल बोस जी। ये नंदलाल बोस जी ने बनाया था 1930 में लीनो कट में दांडी मार्च। क्वेश्चन 176 है, मुगल राजपूत युद्ध श्रृंखला, गणगौर की सवारी, प्रसव पीड़ा, ये किस कलाकार की कृतियां हैं? तो इन सभी को बनाने वाले कलाकार हैं द्वारका प्रसाद शर्मा जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, द्वारका प्रसाद शर्मा जी राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार। इनका जन्म हुआ 1922 में, और वर्ष 2009 में इनकी मृत्यु हो गई। भिकमंगे, मुगल राजपूत युद्ध, इस तरह से इनने कुछ प्रसिद्ध चित्र बनाए हैं। उनका जन्म हुआ था बीकानेर राजस्थान में। क्वेश्चन 177 है, बंजारे, लोहार, गडरिया और भील पर किस कलाकार ने चित्रण किया है? तो इन पर चित्रण करने वाले कलाकार हैं गोवर्धन लाल जी। आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए। इन पर भी मैंने प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, द्वारका प्रसाद शर्मा जी पर भी मैंने प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, और देवकीनंदन शर्मा जी पर भी मैंने वीडियो बनाया है, कृपाल सिंह शेखावत जी पर वीडियो बनाया है। आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। और ये जो इनका जन्म हुआ था गोवर्धन लाल बाबा का, गोवर्धन लाल जोशी थे, इनको बाबा कहा जाता है, 1914 उदयपुर में, और ये भीलों के चितेरे कहलाते रहे। क्वेश्चन 178 है, किसके लिए पंडित नेहरू ने कहा था कि उनके चित्रों में आत्मा बोलती है? तो ये जो कहा था पंडित नेहरू ने कि उनके चित्रों में आत्मा बोलती है, ये कहा था उन्होंने भूर सिंह शेखावत जी के लिए। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, भूर सिंह शेखावत जी के लिए कहा था कि उनके चित्रों में आत्मा बोलती है। और इनका जन्म हुआ था राजस्थान में बीकानेर में, और पिलानी में शिक्षक रहे थे, और इन्होंने चार्ल्स जेरार्ड से फ्रेस्को म्यूरल तकनीक सीखी थी। क्वेश्चन 179 है, विंग्स ऑफ नो एंड किस कलाकार द्वारा निर्मित चित्र श्रृंखला है? तो विंग्स ऑफ नो एंड जो श्रृंखला है, ये गरुड़ जो पक्षी होता है उस पर बनाई है निरोध मंजुमदार जी ने। आंसर है ऑप्शन ए, निरोध मंजुमदार जी द्वारा बनाई श्रृंखला है ये, और इनका जन्म हुआ था 1916 में, और ये कलकत्ता समूह के संस्थापक सदस्य भी थे। और क्वेश्चन 180 है,
ध्रुव मिस्त्री ने कहाँ से कला अध्ययन किया है? तो ध्रुव मिस्त्री जी प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार, इनका जन्म हुआ था 1957 गुजरात में और इन्होंने अपना कला अध्ययन किया था MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आधुनिक और समकालीन कलाकारों पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं आप कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के 20 प्रश्न देखेंगे। गुड लक, जय हिंद।